नमस्कार, स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है। आप जो ये अभी देख रहे हैं, जो मांदर बजा रहे हैं, वो बोरियो विधायक लोबिन इमरम हैं। इन्होंने फिर साहेबगंज में एक बार सरकार पर हमला बोला है, अपनी ही सरकार की नीतियों पर हमला बोला है। उन्होंने फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि जब तक 1932 का खतियान लागू नहीं होता, वे आंदोलन करते रहेंगे। इसके साथ ही SPT एक्ट, CNT एक्ट, स्थानीय नीति सहित कई मुद्दों पर वे खुलकर अपनी राय साहेबगंज में बुधवार को रखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रखा। इस मौके विकास भवन स्थित परिसदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर उन्होंने अपनी सारी बातों को रखी। आइए चलते हैं बोरियो विधायक लोबिन हेमरम के प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जानते हैं कि उन्होंने आज प्रेस से बातचीत में फिर एक बार क्या दोहराया है, सरकार की नीतियों की किस प्रकार आलोचना की है, वे आने वाले कल में क्या करने वाले हैं। सारे नीतियों पर उन्होंने खुलासा किया और अपने एजेंडे के बारे में बताया। तो चलते हैं लोबिन हेमरम के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो लगातार सरकार के खिलाफ मुखर है, नीतियों को लागू करने के लिए, 1932 के नीतियों को लागू करने के लिए, खतियान आधारित नीतियों को लागू करने के लिए, स्थानीय नीति 1932 के आधार पर बनाने को लेकर वे लगातार मुखर हैं। तो चलिए चलते हैं उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लोबिन बाबू के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और जानते हैं उन्होंने और क्या क्या कहा। मेरा यही है, आप सभी लोगों को जानकारी है पहले से ही, जो आज झारखंड बनने के बाद ये 22 साल पूरा होने जा रहा है और आज तक यहाँ पर जो लोगों का जो डिमांड शुरू से रहा है कि 1932 के आधार पर खतियानी आधार पर स्थानीय नीति हो और 1932 खतियान के आधार पर यहाँ नियोजन नीति, उसके साथ साथ SPT एक्ट है, CNT एक्ट है, इसको धरातल पर कड़ाई से इसको लागू किया जाए और उसके साथ साथ पैसा एक्ट का नियमावली बने और ये शेड्यूल एरिया में पैसा एक्ट लागू। लेकिन आज तक ये लागू नहीं हो पाया है और बहुत दुर्भाग्य है। और इस बात को हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने चुनावी घोषणा पत्र में भी इसको लिखा था और हर मंच पर घोषणा भी किया गया, सरकार बनी, लेकिन आज तक ये चीज नहीं हो पाया, जिसके चलते हमने इसको सदन में भी रखा, कई बार रखा और सदन के बाहर भी रखा और अभी भी रख रहा हूँ। और ये पूरे झारखंड की आवाम का आवाज है कि यहाँ पर 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति होना चाहिए और 1932 खतियान के आधार पर नियोजन नीति होनी चाहिए। तो आज तक नहीं हुआ और बहुत अभी आंदोलन चल रहा है। इसका सबसे बड़ी बात है कि जो माननीय रघुवर दास जी ने जो स्थानीय नीति बनाया था, पहले इसको रद्द करें और इसके बाद रद्द करने के बाद कौन है यहाँ का आदमी, पहले तो पहचानना पड़ेगा ना, चिन्हित करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा कि झारखंड के लोग कौन है, जिसमें छोटी बड़ी छोटी छोटी नौकरियों में इन लोगों को प्राथमिकता मिले। क्योंकि अभी हम लोग देखे हैं, कुछ दिन पहले बिहार में एक वैकेंसी निकला था, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ था सिर्फ बिहारियों के लिए, बंगाल में निकाला जाता है बंगालियों के लिए। तो इस तरह से झारखंड में ये 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति नहीं बनने के चलते अभी तक हम लोग इस सरकार ने किसी को रिफाइन नहीं कर पाया, जिसके चलते आज बाहर के लोग छोटी छोटी नौकरियों में भी लोग आ जाते हैं। इसलिए हमारा ये कहना है कि इसको सख्ती से लागू किया जाए, इसको जल्दीबाजी किया जाए। सुनने में आया है ये सरकार कैबिनेट में लाने वाली है और चूंकि हमको डाउट बुझा रहा है, डाउट इस बात का कि चुनाव के टाइम में हर मंच में बोला गया था 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाएगा और 1932 खतियान के आधार पर नियोजन नीति बनेगी। लेकिन उसमें भी जिसमें माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अभी उस समय मुख्यमंत्री नहीं थे, सरकार का गठन नहीं हुआ, तो उसके पहले भी होने वाला था और सरकार गठन करने के बाद इन्होंने फिर विधानसभा में एक बार बोल दिया कि 1932 के खतियान के आधार पर नियोजन नीति नहीं बनेगा। और अभी बोल रहे हैं कि हम 1932 खतियान के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमको कंफ्यूज हो रहा है, लोग डाउट कर रहे हैं कि सदन में दो तरह की बात इन्होंने कहा और अभी हमको सुनने में आया है कि कैबिनेट में वो लाने वाले हैं। अगर ला रहे हैं, मसौदा अगर तैयार हो गया है और कैबिनेट में अगर हो जाता है और इसके बाद सदन में प्रस्ताव आएगा तो उस पर बहस होगी,
ये अच्छी बात है और पहल होना चाहिए। इसके लिए अगर वो करते हैं तो भाई उनको धन्यवाद देना। और उसके अलावे जो ऑलरेडी यहाँ पर सीएनटी एक्ट छोटा नागपुर में है, संताल परगना में एसपीटी एक्ट है, तो इसको तो हूबहू लागू कर देना चाहिए। और इसी के चलते ये यहाँ के लोगों का, चाहे वो आदिवासी हो चाहे मूलवासी हो, आज ये उन लोगों का एक बचाव कवच है। जमीन जिंदा रहेगा, जमीन अगर उसका बचाव हुआ रहेगा तो यहाँ के आदिवासी मूलवासी जिंदा रहेंगे। इसलिए अभी भी हम आग्रह करते हैं कि इसको भी कड़ी से लागू करो। और पैसा एक्ट जब झारखंड और छत्तीसगढ़ एक साथ राज्य अलग हुआ, तो राज्य अलग होने के बाद छत्तीसगढ़ में वहां पैसा एक्ट लागू हो गया, वहां नियमावली बन गया और वहां लागू हो गया, तो फिर झारखंड में कौन सी ऐसी बात है कि शेड्यूल एरिया में इसको लागू नहीं किया जा रहा। ये लागू होना चाहिए। और ये झारखंड मुक्ति मोर्चा शुरू से, माननीय गुरु जी के शिबू सोरेन के समय से ही, ये जंगल जमीन की बात करने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा ये पार्टी है और इसी के चलते आज यहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं। लेकिन अभी आप लोग साहिबगंज में आप लोग देख रहे हैं, यहाँ जंगल उजड़ रहा, पहाड़ उजड़ रहा, नदी जंगल से जो पानी का स्रोत था वो भी खत्म हो जा रहा और पहाड़ में जंगल लकड़ी भी कट जा रहा, तो ये कैसे बचेगा। और इसीलिए हमने एक फिर उलगुलान हमने शुरू किया कर